सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या एनजीओ स्पर्म या पुष्पीय पौधे, तो हिंदी में देख लेते हैं कि ये इसको कहते हैं पुष्पीय पौधों में या आवृत बीजी पौधों में लैंगिक प्रजनन। फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, हमने आपसे पहले कहा कि फ्लावरिंग प्लांट में हमें किसकी स्टडी करनी है, एनजीओ स्पर्म है। फ्लावरिंग प्लांट इक्वल एनजीओ, फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पीय पौधे बराबर एनजीओ स्पर्म। एनजीओ स्पर्म क्या होते हैं, एनजीओ स्पर्म मीन्स होता है सीड कवर्ड बाय सीड कोट। इनके बीज जो होते हैं वो बीज आवरण से ढके होते हैं या चारों तरफ से सराउंड होते हैं। तो हम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर्स से होता है, या फ्लावर यूँ कह सकते हैं कि फ्लावर ही इनके सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं जिनमें कि सेक्सुअल पार्ट्स मतलब मेल और फीमेल डेवलप होते हैं। तो देख लेते हैं इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ये आपका ये हो गया आपका मेल और फीमेल पार्ट हो जाते हैं ये। ये हो गया आपका मेल फीमेल पार्ट, ये हो गई कैलिक्स सॉरी कोरोला, और ये हो गए कैलिक्स। तो इनके इसमें स्ट्रक्चर में मेन रूप से यहाँ पे देखेंगे ओवरी होती है, इसमें ओव्यूल्स लगे होते हैं। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर इसका हम देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये संरचना जो होती है इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा हिंदी में वर्तकाग्र कहते हैं इसको। ये संरचना जो होती है इसको स्टाइल कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। ये जो फूली हुई संरचना होती है सेल पार्ट होता है, ये होती है ओवरी, ये होती है ओवरी। यहाँ पे इस संरचना को हम स्टेमेन कह सकते हैं, इस संरचना को स्टेमेन या STAMENS स्टेमेंस कह सकते हैं या एंड्रोसियम कह सकते हैं। और ओवरी जिसमें संरचना में है इस पूरी संरचना को हम गाइनोशियम कह सकते हैं, स्त्री केशर कह सकते हैं या स्त्रीधानी कह सकते हैं। यहाँ पे इस संरचना को जो फ्लावर का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है उसको हम कैलिक्स कहते हैं। और ये जो फ्लावर होते हैं मतलब इनके पंखुड़ियाँ होती हैं, इनको इनके ग्रुप को इनके स्ट्रक्चर को हम कोरोला कहते हैं, कोरोला। ओके, जिस स्ट्रक्चर पे या जिस संरचना पे फ्लावर लोकेट होता है स्थित होता है उसको थैलेमस कहते हैं, थैलेमस कहते हैं, थैलेमस या पुष्पाशन कह सकते हैं जिस पे कि फ्लावर लोकेट होता है या स्थित होता है। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर है ये। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये फीमेल पार्ट हैं इसके, ये सहायक भाग होते हैं और ये मेन पार्ट होता है सेक्सुअल ऑर्गन्स का फीमेल का। और इसमें स्टेमेंस जो होते हैं, स्टेमेन ये मेल होते हैं, स्टेमेन जो होता है वो मेल होता है, ओवरी जो होती है वो फीमेल होती है। ओके, और स्टाइल और स्टिग्मा ओवरी का पार्ट होता है, मतलब इसको कंबाइन फॉर्म में हम गाइनोशियम कह सकते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि फ्लावर के मेनली फोर पार्ट्स हो जाते हैं फ्लावर के। सबसे आउटर मोस्ट जो होल होता है, चक्र होता है या आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, वो होता है कैलिक्स,
जिसको हम बाह्य दलपुंज कह सकते हैं। सेकंड जो होता है, सेकंड होल जो होता है उसको कहते हैं कोरोला, जिसको हम दलपुंज कह सकते हैं। ये कलर्ड होते हैं, रंगीन भाग होते हैं, जिनको हम पंखुड़ियाँ भी कह सकते हैं सामान्य भाषा में। और तीसरा होता है, अगर फ्लावर बाईसेक्सुअल है तो तीसरा हो सकता है मेल, जिसको हम एंड्रोशियम कह सकते हैं। एंड्रोशियम ECIUM है, एंड्रोशियम कह सकते हैं। पुमंग इसको हम हिंदी में कह सकते हैं। और चौथा आपका जो होता है मेल फीमेल पार्ट होता है, जिसको हम गाइनोसियम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैलिक्स आउटर मोस्ट होल होता है फ्लावर का, स्ट्रक्चर होती है। कोरोला सेकंड होल होता है, एंड्रोशियम थर्ड होल होता है, एंड गाइनोसियम इनर मोस्ट लेयर या होल होता है फ्लावर का। तो फ्लावर के मेनली फोर पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स बाह्य दलपुंज कहते हैं हिंदी में, कोरोला दलपुंज कहते हैं, एंड्रोशियम पुमंग कहते हैं, जिसको हम मेल भी कह सकते हैं। इसकी संरचना हम यहाँ पे देखते हैं, स्टेमेन के रूप में हमने इंडिकेट किया हुआ है। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है एंथर, इस संरचना को एंथर कहते हैं। और ये जो तंतु के समान संरचना होती है, धागे के समान संरचना होती है, जिससे कि एंथर लगे होते हैं, इसको फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, अब गाइनोशियम में देखते हैं, तो गाइनोशियम के थ्री पार्ट्स मेन रूप से होते हैं। एक आउटर इनका जो बाहर निकला हुआ भाग होता है, संरचना होता है, इसको स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा का मेन वर्क जो होता है वो पॉलन ग्रेन्स को, पराग कणों को रिसीव करने का होता है, इसलिए हम इसको रिसीवर भी कह सकते हैं या एक्सेप्टर भी, एक्सेप्टर ऑर्गन भी कह सकते हैं। ये फीमेल का असिस्टेंट पार्ट होता है, सेक्सुअल पार्ट होता है। स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, पतली संरचना होती है नली के समान, जिसके द्वारा पॉलन ट्यूब ओवरी तक प्रवेश करते हैं। और ये संरचना आपकी होती है ओवरी, मेन स्ट्रक्चर है ओवरी। ओवरी में एक संरचना स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल ही फर्टिलाइज्ड होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का। तो हम चलिए हम सभी को यहाँ पे देख लेते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम की बात कर लेते हैं। देखिए, कैलिक्स की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, उसको हम सेपल कह सकते हैं। जो कोरोला की यूनिट होती है उसको हम पेटल कह सकते हैं। एंड्रोशियम की जो यूनिट है उसको हम स्टेमेन कह रहे थे, स्टेमेन कह रहे हैं, STA यहाँ स्पेलिंग लिखा हुआ है। और गाइनोशियम जो होता है बेसिकली इसमें ओवरी होता है, तो हम इनको कार्पल्स कह सकते हैं। गाइनोशियम का जो मेन वो होता है उनको हम कार्पल कह सकते हैं, CARPEL। ठीक है, ओके, कार्पल कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो हमने देखा फ्लावर क्या है। फ्लावर एक लिमिटेड ग्रोथ का मॉडिफाइड शूट होता है, मतलब एक सीमित वृद्धि का या एक लिमिटेड ग्रोथ का मॉडिफाइड शूट या रूपांतरित तना होता है, जिसके ऊपर रेगुलर होल में या एक नियमित चक्र में फ्लावर्स के पार्ट कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम के रूप में लगे होते हैं। अगर हम फार्मूला देखते हैं इनका, तो फार्मूले में हम कैलिक्स को के से इंडिकेट करते हैं, कैलिक्स को के से इंडिकेट करते हैं, कोरोला को कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं, एंड्रोशियम को ए से इंडिकेट करते हैं और गाइनोशियम को कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं। तो फ्लावर तने का रूपांतरित रूप होता है एक रेगुलर चक्र में, एक नियमित चक्र में लगा होता है, जिसमें कैलिक्स आउटर मोस्ट, कोरोला सेकंड लेयर या सेकंड होल होती है, थर्ड होल होती है आपका एंड्रोशियम, और फोर्थ या लास्ट जो आपका चक्र होता है फ्लावर का वो होता है गाइनोशियम। ये बाईसेक्सुअल फ्लावर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि फ्लावर बाईसेक्सुअल भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल होते हैं। अगर फ्लावर बाईसेक्सुअल हैं तो इसमें ये चारों पार्ट प्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो इनमें से कोई तीन होगा, मतलब कैलिक्स रहेगा, कोरोला भी रहेगा, लेकिन एंड्रोशियम और गाइनोशियम में से कोई एक होगा। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और मेल फ्लावर है तो एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा, गाइनोशियम अब्सेंट होगा, और अगर फीमेल फ्लावर है तो गाइनोशियम प्रेजेंट होगी और एंड्रोशियम अब्सेंट होगा। तो यहाँ पर हम बाईसेक्सुअल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अगर यूनिसेक्सुअल की बात करेंगे तो इन दोनों में से ही कोई एक नहीं प्रेजेंट होगा, बाकी सारे स्ट्रक्चर लगभग प्रेजेंट होंगे, पाए जाएंगे। तो यहाँ पर फ्लावर हमने
देख लिया क्या है। अब देखते हैं कि चूंकि ध्यान रखेंगे फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, जिसके बाईसेक्सुअल होने पर उसमें मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे और यूनिसेक्सुअल होने पर ओनली एंड्रोशियम और गाइनोशियम में से कोई एक प्रोड्यूस होगा। तो स्ट्रक्चर हमने देख लिया है बेसिक रूप से। थैलमस जो होता है ये एक ऐसी संरचना होती है, मांसल या मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, जिनके ये नोड्स इनको हम कह सकते हैं, जिनके ऊपर ये फ्लावर के ये चारों होल्स नोड के रूप में, गांठ नोड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे थैलमस जिस पे ये फ्लावर के सभी पार्ट लगे होते हैं वो संरचना होती है। अब यहाँ पे देखेंगे फ्लावर के चूंकि दो मेन होल हैं तो दो तरह से इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। इन दोनों को हम असिस्टेंट होल कह सकते हैं, इन दोनों को हम कह सकते हैं असिस्टेंट होल या हेल्पिंग होल कह सकते हैं, और इन दोनों को हम रिप्रोडक्टिव होल कह सकते हैं, प्रजनन चक्र कह सकते हैं, या इसमें ये संरचना होती है। अब यहाँ पे हम कैलिक्स की बात करते हैं। मैंने कहा कि कैलिक्स क्या है, फ्लावर का आउटर मोस्ट होल जो जनरली ग्रीन होते हैं और इनका वर्क प्रोटेक्टिव होता है। कोरोला क्या होता है, कोरोला फ्लावर का अट्रैक्टिव पार्ट होता है जो कि कलर्ड होता है और पॉलिनेशन के लिए एनिमल्स को या इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का कार्य करता है। अब रिप्रोडक्टिव होल में हमने आपको देखा एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम जिसको हम स्टेमेन भी कह सकते हैं, स्टेमेन जो होता है मेल सेक्स ऑर्गन के रूप में पाया जाता है, मतलब एंड्रोशियम जो होता है मेल सेक्स ऑर्गन के रूप में पाया जाता है। और फ्लावर के मेल पार्ट में यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम इसका सेक्शन करेंगे एंड्रोशियम का, सॉरी एंड्रोशियम में हमने आप देखा था कि दो संरचनाएँ थी, एक यहाँ पे आपका जो था वो एंथर था और ये जो संरचना आती है वो फिलामेंट की होती है। तो यहाँ पे हम फिलामेंट तो एंथर फिलामेंट से लगा होता है, तो हम मेन बेसिक जो स्ट्रक्चर है आपका ये एंथर होता है। तो एंथर में हम देखते हैं इसमें मेल पार्ट में, फ्लावर के मेल पार्ट में या एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम, ये एंथर को हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कह सकते हैं, इसको कट करते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, जिसमें हम स्पोर मदर सेल देखते हैं और स्पोर मदर सेल द्वारा ही स्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और स्पोर या माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को या पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। फिलामेंट इसका असिस्टेंट पार्ट होता है स्टेमेन का, जैसे कि एंथर लगे होते हैं। अब हम देखते हैं गाइनोशियम कहाँ पे क्या होता है। तो गाइनोशियम का मतलब हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है गाइनोशियम यहाँ पे। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन में देखते हैं तीन स्ट्रक्चर आपके बेसिक रूप से थे, स्टेमेन था, सॉरी स्टिग्मा था, स्टाइल था और ओवरी है। तो अपर पार्ट जो होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं, जो कि पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का भी कार्य करता है। स्टाइल जिसके द्वारा पॉलन ट्यूब ओवरी तक पहुँचता है, और ओवरी जिसमें कि फर्टिलाइजेशन की